हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। दोस्तों, ये वीडियो प्योरली सीएस एग्जीक्यूटिव दिसंबर 2020 के लिए है। ये पूरा वीडियो रोड मैप के ऊपर है कि अभी आज ही रिजल्ट आया है सीएस फाउंडेशन का, तो आई कॉन्ग्रेचुलेट ऑल द स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड सक्सेसफुली सीएस फाउंडेशन एंड आई एम वेलकमिंग दैम टू सीएस एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो सीएस एग्जीक्यूटिव में आपका स्वागत है, और जो पास नहीं हो पाए आई विल रिकमेंड देम टू अपियर वंस मोर। एक और ट्राई बनता है। अगर आप बहुत ही नॉमिनल मार्क्स से फेल हुए हैं, 190 और अबव आपके मार्क्स हैं, तो आपको डेफिनेटली एक और अटेम्प्ट देना चाहिए, और डेफिनेटली आप नेक्स्ट अटेम्प्ट में और ज़्यादा मेहनत करके पास हो सकते हैं। थैंक यू सो मच। तो दिसंबर में आपका स्वागत है। अब काफ़ी बच्चे जो सीएस फाउंडेशन पास हो गए हैं, उनको पता ही नहीं है कि अब करना क्या है, क्या रोड मैप है, क्या टाइमलाइंस हैं, क्या क्या चीज़ें उनको करनी है। इस एक वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि अब फाउंडेशन पास होने से एग्जीक्यूटिव के एग्जाम देने तक टाइमलाइन क्या होगी, आपको कौन से समय पे क्या करना है, वो सारे कॉम्प्लायंसेस जो आईसीएसआई की तरफ से हैं वो सब मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, और अगर आपको पसंद आए या काम की लगे तो डेफिनेटली इसको आप शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँच पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला है सर कि क्या क्या करना है। पहला स्टेप है साहब आपको कि रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, आईसीएसआई के पास, आईसीएसआई के वेबसाइट के थ्रू आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, रजिस्टर फॉर सीएस एग्जीक्यूटिव विथ आईसीएसआई। और रजिस्ट्रेशन आपको मैं बता दूं, हमेशा बोथ ग्रुप्स का ही होता है। रजिस्ट्रेशन पूरे सीएस एग्जीक्यूटिव का होता है, ग्रुप वाइज रजिस्ट्रेशन नहीं होता। रजिस्ट्रेशन हमेशा बोथ ग्रुप का होगा। आपको इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल्स जो मिलते हैं, जो आप फी रजिस्ट्रेशन की भरते हो, उसमें मॉड्यूल्स की भी फी इंक्लूडेड होती है। सारे सब्जेक्ट्स के बुक्स आपको आईसीएसआई की तरफ से आएंगे। इसमें तकरीबन एक महीना लग जाता है, तो अगर आप अभी रजिस्टर करोगे तो 30 to 40 days आपको लगेंगे। आपके एड्रेस पे वो अपने आप आ जाते हैं, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। 1 month के अंदर वो आपके घर पर आ जाएंगे। अब की एलिजिबिलिटी क्या होती है, आप अभी रजिस्टर करोगे तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट होती है उससे आपकी एग्जाम की एलिजिबिलिटी डिसाइड होती है। तो रजिस्ट्रेशन की डेट मायने रखती है, वो डिसाइड करती है कि आप दिसंबर में बोथ ग्रुप दे सकते हो या सिंगल ग्रुप ही दे सकते हो। तो एलिजिबिलिटी कैसे है, बोथ ग्रुप्स की डेट है सर ऑन और बिफोर 29 फरवरी 2020। फरवरी एंड के पहले अगर आप रजिस्टर करवा लेते हो तो दिसंबर 2020 में आपको बोथ मॉड्यूल्स यानी बोथ ग्रुप्स आप दे सकते हो, आप एलिजिबल हो। ऑप्शन आपके पास है, आप चाहे तो दोनों भी दे सकते हो, आप चाहे तो सिंगल मॉड्यूल भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपने ये डेडलाइन मिस कर ली, आप फरवरी के बाद रजिस्टर कर रहे हो, मतलब मार्च एंड ऑनवर्ड्स अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, तो आप सिर्फ सिंगल ग्रुप ही दे पाओगे, और उसका भी लास्ट डेट होता है 31 मई 2020। तो अगर फरवरी के बाद यानी 1 मार्च से लेके 31 मई के बीच में अगर आप रजिस्टर कर रहे हो, तो दिसंबर में आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन सिर्फ सिंगल मॉड्यूल, कोई भी एक जो आप चूज करोगे, या तो फर्स्ट मॉड्यूल या तो सेकेंड मॉड्यूल, जो भी आप डिसाइड करो। डायरेक्टली सेकेंड मॉड्यूल भी दिया जा सकता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि पहले फर्स्ट ही देना होता है बाद में सेकेंड देना होता है, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। आप डायरेक्टली फर्स्ट या डायरेक्टली सेकेंड जो भी है वो दे सकते हो। तो ये टाइमलाइंस आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखनी है। अब है सर फीस क्या है, रजिस्ट्रेशन फीस क्या है। तो फीस है 10,100 टोटल बता रहा हूँ। उसमें आपकी टोटल फीस, मॉड्यूल की फ़ी, आपकी प्री एग्जामिनेशन की फ़ी, आपका ओरिएंटेशन प्रोग्राम की फ़ी, सब कुछ इंक्लूडेड है। 10,100 आपको पे करना है। शायद ई लर्निंग की भी फ़ी ले रहे हैं, पर ऑफिशियली कहीं लिखा नहीं है, वो आप रजिस्टर करोगे तभी आपको पता चलेगा। उसके भी आई थिंक 500 कलेक्ट कर रहा है इंस्टीट्यूट। ई लर्निंग बेसिकली एक उन्होंने वेबसाइट बनाई है जिसमें आपको सारा जो मटेरियल होता है वो सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा। सारा जो आईसीएसआई देता है मटेरियल, उसमें सारे न्यूज़ लेटर्स ये वो सब आई थिंक सॉफ्ट कॉपी उन्होंने प्रॉपर बनाई है, और वो फाउंडेशन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव के लिए उन्होंने अभी मैंडेटरी कर दिया है, और शायद वो रजिस्ट्रेशन के साथ ही इसका फ़ी ले लेते हैं। ठीक है, उसका फ़ी 500 होता है, तो आई थिंक वो और इसमें आपको अलग से ऐड करना है। ये तीन मिला के 10,100 वो मिनिमम कलेक्ट कर रहे हैं, और ई लर्निंग का आई एम नॉट कॉन्फिडेंट, तो इसलिए मैं उसको आपको बता नहीं रहा। फिर कुछ कंसेशंस भी हैं, जैसे आप देख रहे हो एसटीएससी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, हैंडीकैप्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं, उनको कंसेशंस भी दिए गए हैं, और उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी में भी कंसेशंस हैं, एग्ज़ाम फ़ी में भी कंसेशंस हैं। ठीक है, और जो हमारे ये हैं
पैरामिलिट्री फोर्स और दिया है ना सब, परमानेंट डिसेबल या रिटायर्ड पर्सनल ऑफ इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, इंडियन नेवी एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस, इनके अगर विडोज़ या वार्ड्स हैं तो इनको भी कंसेशंस बहुत अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। अगर आप इन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, आप वो पूरा डिटेल पढ़ लो कि आपको कितना कंसेशन है और क्या है। पूरा डिटेल फाइल जो है मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक दे देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका फीस है अगर आप CS फाउंडेशन पास करके यहाँ रजिस्टर कर रहे हो तो। फिर है, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड स्टेप क्या है। तो पहले तो आपको रजिस्टर करना है, रजिस्ट्रेशन के साथ अपने आप क्या होगा, आपको मॉड्यूल्स अपने आप ICS से डिस्पैच करेगा और विद इन 1 मंथ आपको मिल जाएगा। सेकेंड है कि आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा, ये नया कंसेप्ट लाया गया है 1 जून 2019 के बाद अब जो भी रजिस्टर होगा उनको ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम करना है। ये सिर्फ CS फाउंडेशन और CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को एप्लीकेबल है, ठीक है। तो ये क्या क्या है, पहला है कि ये किसके लिए है, फाउंडेशन और एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आप एग्जीक्यूटिव में आए हो आपको ये एप्लीकेबल है। फिर है ये किसको अप्लीकेबल है, जो भी रजिस्टर करेगा ऑन और आफ्टर 1/6/2019, 1 जून 2019 के बाद जो भी इन दोनों कैटेगरीज में रजिस्टर करेगा उनको ये एग्जाम, ये प्रोग्राम करना है। ये बेसिकली 1 डे प्रोग्राम है, ठीक है, कुछ 5-6 आवर्स का प्रोग्राम है। इसमें आपको CS के बारे में बताया जाएगा कि CS क्या है, उसके पूरे एकेडमिक्स, उसका पूरा जो पूरे जो कंटेंट्स हैं, एग्जीक्यूटिव में क्या है, प्रोफेशनल में क्या है, प्री एग्जाम क्या है, बेसिकली जो मैं आपको ये बता रहा हूँ यही सारी चीज़ें आपको ओरिएंटेशन प्रोग्राम में बताने वाले हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली CS एस ए प्रोफेशन क्या है, ICSI का पूरा हिस्ट्री आपको बताया जाएगा कि इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कब बना था, उसका पूरा सेंट्रल काउंसिल कैसा रहता है, क्या है, कितने ब्रांचेस हैं, उनका पूरा हिस्ट्री बताया जाएगा और क्या क्या वो सर्विसेज देते हैं और CS एस ए प्रोफेशन क्या काम करता है, कॉरपोरेट में क्या एवेन्यूज हैं, आपको प्रैक्टिस में क्या एवेन्यूज हैं, हर चीज़ जो CS के बारे में हर स्टूडेंट को पता होनी चाहिए वो सारी चीज़ें आपको इस प्रोग्राम में बताई जाती हैं। तो प्लीज़ इसको फॉर्मेलिटी ना समझिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए काफ़ी बच्चे CS के लिए जो भी बातें करते हैं क्योंकि काफ़ी लोगों को पता ही नहीं है कि भाई CS के पास एवेन्यूज़ क्या है, क्योंकि एट फाउंडेशन एग्जीक्यूटिव लेवल आपको पूरे काम नहीं पता होते, काफ़ी चीज़ें प्रोफेशनल से आपको बाद में फाइनल ईयर में पता चलती हैं। तो ये प्रोग्राम बिल्कुल स्किप ना करें या इसको एज अ फॉर्मेलिटी ना समझें, बहुत अच्छा नॉलेज आपको मिलेगा और आपको CS प्रोफेशन के बारे में एक बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा जिससे आप और मोटिवेट हो जाओगे इस कोर्स करने को और आप बहुत पैशनेटली ये कोर्स को परस्यू करोगे और इसका मेंबर बनने की आपकी इच्छा होगी, ठीक है। तो ये प्रोग्राम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है ये आपको नियर बाय जो भी आपका ICSI का ब्रांच है फिजिकली करनी है। जब ये लाया गया था इसमें लिखा हुआ था कि ऑनलाइन मोड भी अवेलेबल होगा, बट अभी तक एज पर माई नॉलेज कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है कि ऑनलाइन मोड कैसा है, क्या है, कहीं ICSI के वेबसाइट पे अनाउंसमेंट नहीं है, उसका कोई प्रोसीजर दिया हुआ नहीं है, कुछ भी इंस्टीट्यूट ने ऑफिशियली अभी तक अनाउंस नहीं किया है, तो उसका भी कोई मतलब अता पता नहीं है, बेसिकली अता पता नहीं है। तो आप वेट मत कीजिए, जो भी आपके आसपास में ICSI ब्रांच है आप 1 डे जाके वो प्रोग्राम कर लीजिए, उसका बाकायदा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा और ये प्रोग्राम करना मैंडेटरी है, नहीं तो आप एग्जाम्स में एनरोल नहीं कर सकते, ठीक है, और ये मैंडेटरी है, ठीक है। और इसकी फीस रजिस्ट्रेशन फी में ऑलरेडी इंक्लूडेड है, अलग से कुछ भी पैसे नहीं देने आपको और सिर्फ ये प्रोग्राम अंडरटेक करना है और आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा कंप्लीशन का। फिर है सेम जो मैंने बताया, मैंडेटरी है, इसके बिना आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, ठीक है। और नॉर्मल रूल है कि ये 15 डेज में आपको करना है, पर इतना स्ट्रिक्टली इसको एनफोर्स नहीं किया जा रहा है। जो भी नियर बाय ब्रांच में आपके जो भी मतलब वो प्रोग्राम जब भी अवेलेबल है, क्योंकि ये पैन इंडिया एक्सरसाइज है और ब्रांचेस को टाइम लग रहा है बैचेस अनाउंस करने में और कैपेसिटी के भी इश्यूज हो रहे हैं, तो जो भी आपको मतलब नियरेस्ट ब्रांच में जो भी अर्लीस्ट बैच मिले आप वो कर लो। 15 डेज का क्राइटेरिया इतना स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया जा रहा है, तो कोई भी पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है कि सर 15 दिन लिखा हुआ है, अरे पर ये पहली बार आया है, इंस्टीट्यूट को इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, तो वो कैसे लागू कर पाएंगे जब गलती इंस्टीट्यूट की है, वो आपको एडिक्वेट बैचेस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, वो आपको ऑनलाइन मोड प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कैसे इसको एनफोर्स करेंगे। पर मैंडेटरी रहेगा, ऐसा नहीं कि वो आपकी गलती है तो हम करेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं है भाई, 15 दिन का, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, पर आपको ये प्रोग्राम कंडक्ट करना ज़रूरी है, आपको ये अटेंड करना ज़रूरी है, नहीं तो आप एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाओगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, थर्ड स्टेप है, जैसे आप ये प्रोग्राम कर लोगे फिर मतलब आपका आपको पढ़ाई करनी है, सॉरी ये
हेडिंग गलत है, बेसिकली आपको प्रिपरेशन करना है, थर्ड स्टेप है, फिर उसके बाद कुछ नहीं है, आपको फिर पढ़ाई चालू करनी है, मॉड्यूल्स आपको आ जाएंगे 1 महीने में, फिर आपको पढ़ाई करनी है। अब पढ़ाई आप कैसे भी कर सकते हो, आप फेस टू फेस क्लासेस अटेंड कर सकते हो, आप ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स बाय करके घर पे पढ़ सकते हो, या फिर आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। अगर आप क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको कॉन्फिडेंस है कि आप सेल्फ स्टडी भी करके पास हो सकते हो, तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इट्स योर पर्सनल चॉइस कि आपकी लर्निंग एबिलिटी क्या है, आपकी इंग्लिश कैसी है, आप सेल्फ स्टडी कर पाते हो नहीं कर पाते हो, आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी कैसी है, आपके सिटी में फेस टू फेस क्लासेस अवेलेबल हैं या नहीं है, क्या क्वालिटी के हैं, ये सारे फैक्टर्स से बैठ के आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो जैसे ही ओरिएंटेशन प्रोग्राम हो गया, आप पढ़ाई चालू कर दो। आपके पास देखो कितना समय होगा, फरवरी से लेके पूरा दिसंबर तक आपके पास समय है, टोटल 11 मंथ्स आपके पास हैं। इस 11 मंथ्स में आखिरी के 2 या 2.5 महीने तो आपको रिविजन्स के लिए रखना है, तो इफेक्टिवली आपके पास 9 मंथ्स होते हैं, 8 to 9 मंथ्स, और आपके पास सब्जेक्ट भी 8 है, बोथ ग्रुप्स अगर आप दे रहे हो तो 8 सब्जेक्ट्स, 8 to 9 मंथ्स, तो टाइम बहुत ही लिमिटेड है, न कम है न ज़्यादा है, तो आपको अर्ली स्टार्ट करना है। तो मैं कुछ टिप्स भी आपको ये वीडियो के आखिरी में दे दूंगा कि क्या क्या गलतियाँ नॉर्मली सीएस एग्जीक्यूटिव के स्टूडेंट्स करते हैं जो आपको नहीं करनी है, और जो कोई बताता नहीं है, बाद में पता चलती है आपको एक्सपीरियंस से, तब तक आपका अटेम्प्ट स्पॉइल हो जाता है। तो मैं आपको एकदम सही समय पे चीज़ें बता रहा हूँ, आगाह कर रहा हूँ, ताकि आप वो गलतियाँ ना करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई आप करते रहो और फिर डायरेक्ट आपका प्री एग्ज़ाम का टाइम आ जाएगा। आपको प्री एग्ज़ाम्स पास करने होते हैं। प्री एग्ज़ामिनेशन के बारे में आपको बता देता हूँ कि ये एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल पे लागू होता है, फाउंडेशन में प्री एग्ज़ाम नहीं होती है। फाउंडेशन खुद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसकी भी प्री एग्ज़ाम कैसे हो सकती है, तो इलॉजिकल है। तो ये एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो न्यू सिलेबस में हैं, जो न्यू सिलेबस में हैं वो, तो अगर आप डायरेक्टली न्यू में रजिस्टर हुए हो तो भी आपको एप्लीकेबल है। अगर आप पहले ओल्ड में थे, स्विच ओवर होकर अब न्यू एग्ज़ाम देना चाहते हो, न्यू सिलेबस का एग्ज़ाम आप देना चाहते हो, तो भी आपको प्री एग्ज़ाम एप्लीकेबल हो जाएगा। और जो कन्वर्ट होके आ रहे हैं, ओल्ड से न्यू कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको प्री एग्ज़ाम का फ़ी अलग से देना है, 1000 आपको अलग से पे करना है ई लर्निंग की वेबसाइट से, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। फिर है कि एक ऑनलाइन एग्ज़ाम है, MCQ बेस्ड ऑनलाइन एग्ज़ाम है, कहीं से भी आप कभी भी दे सकते हो। ठीक है, फीस प्री एग्ज़ाम का अगर आप फाउंडेशन से नॉर्मली न्यू सिलेबस में रजिस्टर करके आए हो तो आपके फीस में ही 1000 वो फी इंक्लूडेड है, आपको अलग से प्री एग्ज़ाम का कोई फ़ी नहीं भरना है। ठीक है, फिर है कि ये MCQ बेस्ड है, टिक मारना है, ऑनलाइन एग्जाम में टिक मारना है, और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। ठीक है, एक्स्ट्रा मार्क डिडक्ट होंगे, तो एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग होता है तो एक मार्क तो जाता ही है ना, बचपन से आप एग्जाम्स देते आए हो, जब भी कोई क्वेश्चन गलत होता है, एक मार्क का क्वेश्चन है, एक मार्क का क्वेश्चन गलत होता है, तो एक मार्क तो जाता ही है ना, ये एक्स्ट्रा 0.25 जाएगा, मतलब इन टोटैलिटी 1.25 मार्क डिडक्ट होगा फॉर वन रॉन्ग क्वेश्चन, वन रॉन्ग आंसर। ठीक है, फिर है पासिंग क्राइटेरिया, इसमें रहता है 40 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट, इसमें ग्रुप पासिंग नहीं होती। आपको ग्रुप पासिंग पता होगी, फाउंडेशन में भी थी कि नॉर्मली 2 क्राइटेरिया होते हैं पासिंग के, इंडिविजुअल पासिंग एंड एग्रीगेट पासिंग। इंडिविजुअली आपको हर सब्जेक्ट में मिनिमम 40 मार्क्स चाहिए होते हैं टू पास ईच सब्जेक्ट, और ग्रुप वाइज पासिंग भी होती है, उसमें आपको 50% मार्क्स लगते हैं, 50% मार्क्स लगते हैं ग्रुप में। अगर 200 मार्क्स का आपका ग्रुप है तो 100 मार्क्स लगते हैं, 400 मार्क्स का आपका ग्रुप है तो आपको 200 मार्क्स एग्रीगेट, एडिंग अप ऑल द मार्क्स ऑफ दैट ग्रुप ऑफ द सब्जेक्ट्स, तो आपको उतना वो भी पास करना होता है। लेकिन प्री एग्जाम में ग्रुप वाइज का पासिंग का क्राइटेरिया नहीं रखा हुआ है, तो ये एक रिलैक्सेशन है। सिर्फ इंडिविजुअली 40 मार्क लेने हैं, ग्रुप के टोटल कितना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको सिर्फ हर सब्जेक्ट में, सिंगल सब्जेक्ट में 40 मार्क्स लेने हैं, और आपको उन्हीं सब्जेक्ट्स के प्री एग्जाम देने हैं जिसका मेन एग्जाम आप देना चाहते हो। तो अगर आप बोथ ग्रुप देना चाहते हो तो आपको बोथ ग्रुप के प्री एग्जाम क्लियर करने पड़ेंगे। फर्स्ट ग्रुप दे रहे हो तो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप का प्री एग्जाम देना है, और सेकेंड ग्रुप दे रहे हो तो सिर्फ सेकेंड ग्रुप का ही प्री एग्जाम देना है, और ये प्री एग्जाम एक टाइम ही देना है, वन टाइम है। मतलब अगर आप मेन एग्जाम नहीं दे पाए या मेन एग्जाम आप फेल भी हो गए तो नेक्स्ट टाइम फिर से आपको प्री एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, ये वन टाइम प्री एग्जाम है। ठीक है, क्लियर है। और फिर है कि रोज एक एग्जाम आप दे सकते हो, रोज एक एग्जाम 24 आवर में आप एक बार एग्जाम दे सकते हो, और इसका कोई स्टार्ट डेट नहीं है। प्री एग्जाम आप रजिस्ट्रेशन के बाद कभी भी दे सकते हो,
प्री एग्जाम आप रजिस्ट्रेशन के बाद कभी भी दे सकते हो, कोई स्टार्ट डेट नहीं है, इसकी डायरेक्ट एंड डेट है, लास्ट डेट है जिसके पहले आपको ये क्लियर करना है। तो अगर आप रोज एक एग्जाम दे सकते हो तो सोचो आपके पास कितने सारे मतलब अटेम्प्ट्स हैं आप मतलब दे सकते हो। तो मैं आपको और गाइडेंस देता हूँ, जो काफ़ी लोग इससे डरते हैं, तो इसमें वर्चुअली कोई लिमिट नहीं है कि कितने बार आप दे सकते हो, बस लिमिट क्या है, एक दिन में एक ही बार आप एग्जाम दे सकते हो। नो लिमिट ऑन द मैक्सिमम नंबर ऑफ एग्जाम्स दैट कैन बी गिवन, सो देयर इज एब्सोल्युटली नो रीजन टू वरी। कि काफ़ी लोग वरी करते हैं सर पास नहीं हो पाए तो, अरे भाई एक दिन में एक बार दे सकते हो। अगर आप फरवरी से चालू करो, इसका लास्ट डेट आता है सर अक्टूबर में, 10 अक्टूबर तक आप दे सकते हो। फरवरी से 10 अक्टूबर तक दिन गिनो, 200 दिन है आपके पास, यानी 200 बार एग्जाम दे सकते हो। 200 बार देने के बाद भी आप पास नहीं हो सकते तो आप गलत फील्ड में आ गए हो, आपको तुरंत ये कोर्स छोड़ देना चाहिए। और आप मेन एग्जाम कैसे दोगे, जो इंसान 200 बार एग्जाम देके प्री एग्जाम पास नहीं कर पा रहा है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, जो कि घर बैठ के कभी भी देना है, बुक्स भी आप देख सकते हो, आप चीटिंग कर सकते हो, उसके बाद भी अगर आप वो पास नहीं कर पाते हो तो आप गलत फील्ड में हो। तो प्री एग्जाम पास न हो पाएगा, ये सब रूमर्स हैं, आराम से पास हो जाती है, घर बैठ के आपको बुक्स आप रेफर कर सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, सब कुछ अवेलेबल है, मैं आपको वही सब बता रहा हूँ। तो यू कैन रेफर बुक्स, यू कैन यूज़ गूगल, यू कैन यूज़ फ्रेंड्स, दोस्तों से भी आप पूछ सकते हो, व्हाट्सएप पे कुछ भी कर सकते हो, बस आपको पास करना है, 40 मार्क लेने हैं, बात खत्म, ठीक है, चीटिंग अलाउड है। और फिर है कि ये मैंडेटरी है, प्री एग्जाम इज मैंडेटरी, जैसे ओरिएंटेशन एग्जाम मैंडेटरी है वैसे ही प्री एग्जाम भी मैंडेटरी है। अगर आप ये पास नहीं हो पाए तो आप मेन एग्जाम का एग्जाम फॉर्म ही नहीं भर पाओगे, बट इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, आप दिन में एक बार एग्जाम दे सकते हो तो आप वर्चुअली बहुत बार एग्जाम दे सकते हो और आप पास हो ही जाते हो। दो चार बार देने के बाद सब लोग 40 मार्क ले ही लेते हैं, इतना एप्टीट्यूड बच्चों का होता है, ठीक है। फिर है कि ये एग्जाम फॉर्म फाइल करने के पहले ही आपको क्लियर करना है। अब एग्जाम फॉर्म का जो डेट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो वो लास्ट डेट होता है 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर तक आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। तो वर्चुअली 10 अक्टूबर ही लास्ट डेट है जब तक आपको प्री एग्जाम पास कर लेना है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर है आपको प्री एग्जाम जैसे आपका क्लियर हो गया, आप एग्जाम फॉर्म भर दो। एग्जाम फॉर्म का जो स्टार्ट डेट है, देखो स्टार्टिंग डेट होता है 26 अगस्त 2020 से एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होते हैं, यू कैन स्टार्ट फाइलिंग द एग्जाम फॉर्म्स। और इसका लास्ट डेट होता है 25 सितंबर, एक महीना आपको लगभग मिलता है, विदाउट लेट फी आप 25 सितंबर तक एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। पर इसका एक्सटेंडेड 15 डेज का एक्स्ट्रा टाइम भी दिया जाता है, अगर आप 25 सितंबर तक नहीं भर पाए तो आपको एक्स्ट्रा 15 डेज दिए जाते हैं, मतलब 10 अक्टूबर 2020 तक भी विथ लेट फी आप एग्जाम फॉर्म भर सकते हो। समझ में आ रहा है क्या, 15 दिन का आपको लेट लतीफ लोगों के लिए 15 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया है, आप 10 अक्टूबर तक भी अगर एग्जाम फॉर्म फाइल कर लेते हो विथ लेट फी तो भी चल जाएगा। अब फीस क्या है, फीस है सर 1200 सिंगल मॉड्यूल, 2400 बोर्ड मॉड्यूल, और अगर आप लेट भर रहे हो फॉर्म तो 250 आपको एक्स्ट्रा लगेगा, ठीक है, पूरे फॉर्म का, ऐसा ग्रुप वाइज नहीं है, 250 टोटल फी है, कि जो भी आपका टोटल फीस है उसमें 250 लेट फी ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया एग्जाम फी और ये एग्जाम फॉर्म। और फिर डायरेक्ट आप रिवाइज करो, आखिरी के जो टाइम बचता है अक्टूबर नवंबर दिसंबर, लगभग लास्ट वीक में दिसंबर में एग्जाम होते हैं, 20 दिसंबर से नॉर्मली एग्जाम स्टार्ट होते हैं, तो 20 डेज आपको दिसंबर में भी पढ़ने के लिए मिलते हैं आपको, तो लगभग 2-2.5 महीने आखिरी के वैसे भी आपको रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि 8 सब्जेक्ट अगर आप दे रहे हो तो आपको रिवाइज करने में 2 महीने लग जाएंगे। फिर आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना चाहिए, टेस्ट सीरीज वगैरह आप ज्वाइन कर सकते हो या घर बैठ के आप पेपर सॉल्व कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर आप डायरेक्ट एग्जाम्स में आपको अपियर होना है इन दिसंबर 2020। तो ये आपका ऐसा रोड मैप है। फरवरी में अभी आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर लेना है, विद इन 1 मंथ आपका मॉड्यूल्स आएंगे, आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है, जो भी है मैंने बताया, फेस टू फेस क्लासेस, वीडियो लेक्चर या सेल्फ स्टडी, जो भी आप चालू कर दो। फिर आप डायरेक्टली मेरे हिसाब से अगस्त में प्री एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि मुझे पता है हार्डली 5-6 अटेम्प्ट्स आपको लगते हैं, अगर आप एक नॉर्मल स्टूडेंट हो अगस्त तक आपकी पढ़ाई भी देखो काफ़ी हो जाती है, तो फिर आपको अगस्त में आप ट्राई करना स्टार्ट कर सकते हो, अगस्त से आप प्री एग्जाम देना चालू कर दो और आपके पास 10 अक्टूबर तक टाइम है, मोर देन सफिशियंट टाइम है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है और कोई चांस नहीं है कि आप प्री एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो अगस्त में आप प्री एग्जाम का टाइम रख लो,
फिर सितंबर में आप एग्जाम फॉर्म का टाइम रख लो, और फिर आप अक्टूबर या नवंबर दिसंबर में आप रिवाइज करो, टेस्ट सीरीज दो, और फिर दिसंबर में आपको डायरेक्ट एग्जाम्स देना है। ऐसा आपका पूरा टाइमलाइन होने वाला है, ठीक है। अब कुछ टिप्स देता हूं मैं आपको, जो चीजें लोग बताएंगे नहीं, जिसकी वजह से आपको बड़ी परेशानियां जाएंगी, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। नंबर वन, कि अमेंडमेंट्स होते हैं, अमेंडमेंट नाम का एक प्राणी आपको अब समझ में आएगा, कि आपको अमेंडमेंट्स 30 जून 2020 तक के अप्लीकेबल है। अब हम बैठे हैं फरवरी में, जनवरी में बैठे, अब जून तक के अमेंडमेंट अभी कौन देगा आपको, समझ में आ रहा है क्या? दिसंबर में 30 जून तक के अमेंडमेंट्स होते हैं, तो अभी जो लेक्चर्स आपको मिलेंगे या जो भी अभी फेस टू फेस क्लासेस आप लोगे, अभी वो 30 नवंबर 2019 तक के अमेंडमेंट्स आपको अमेंडेड उत्ता आपको पढ़ाएंगे। और ये टिपिकल तरीका होता है कि 1 दिसंबर से लेके 30 जून तक के जो अमेंडमेंट्स हैं वो आपको अलग से दिए जाते हैं। तो ये बहुत ही नॉर्मल है, इसमें बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, ये तरीका ऐसा ही है। क्योंकि अगर आप जून तक वेट करोगे, कुछ लोग ऐसे भी अड़ियल होते हैं, नहीं सर हमको अमेंडेड ही चाहिए, अरे तो भाई 30 जून तक वेट करो, जुलाई या अगस्त में आपको अमेंडेड बुक्स या जो भी है सब मिलता है फॉर दिसंबर, उसके बाद क्या पढ़ाई स्टार्ट करोगे क्या? अगर आपको आज से स्टार्ट करना है तो आपको जो अवेलेबल है उससे स्टार्ट कर लेना है। अमेंडमेंट्स नॉर्मली अलग से ही मिलती हैं, तो उसमें आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इट्स वेरी वेरी नॉर्मल, ठीक है। तो 30 नवंबर 2019 तक का अमेंडेड बुक या लेक्चर आपको मिलते हैं, और फिर 6 मंथ्स के जो अमेंडमेंट है, 7 मंथ्स के, वो आपको अलग से जुलाई या अगस्त में आपको दिया जाता है, ठीक है। तो बहुत ही नॉर्मल पैटर्न है, एटलीस्ट फॉर द सब्जेक्ट्स विच हैव अमेंडमेंट्स, जैसे कंपनी लॉ में अमेंडमेंट्स होते हैं, सिक्योरिटी लॉ में अमेंडमेंट होते हैं, EBCL में अमेंडमेंट होते हैं, इवन SBEC में अमेंडमेंट होते हैं। तो ये 4-5 जो लॉ सब्जेक्ट्स हैं इसमें आपको अमेंडमेंट होते ही होते हैं। कौन से सब्जेक्ट में अमेंडमेंट नहीं होते हैं? JIGL में नॉर्मली ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं होते, 2-4-5 होते हैं। फिर कॉर्पोरेट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में भी बहुत ही माइनर अमेंडमेंट्स होते हैं, FSM में तो अमेंडमेंट होते ही नहीं है। तो ये 3-4 सब्जेक्ट्स हैं जो अमेंडमेंट नहीं होते हैं। टैक्सेशन में भी अमेंडमेंट्स होते हैं, ठीक है। टैक्सेशन के लिए एक पॉइंट है कि इनकम टैक्स में आपको फिनांस एक्ट 19 ही एप्लीकेबल है, फिनांस एक्ट 19 एप्लीकेबल है, और जो भी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स होते हैं वो आपको 30 जून 2020 तक के एप्लीकेबल हैं। फिर है, अगर आप पहला अटेम्प्ट अभी दे रहे हो, आपका फर्स्ट अटेम्प्ट है, आप फाउंडेशन पास हो चुके हो, माइट भी आपका रैंक आया होगा, तो आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में हमेशा बोथ ग्रुप ही देने चाहिए, क्योंकि आपके पास 11 मंथ्स है। 11 मंथ्स जिंदगी में फिर से कभी आपको मिलेंगे नहीं, अगर अनलेस आप अटेम्प्ट स्किप करो, कि अटेम्प्ट 6-6 महीने में होते हैं, फिर आपको कभी 11 महीने नहीं मिलेंगे। तो अभी अगर आपके पास 11 मंथ्स हैं, आप फ्रेश हो, आप कभी अभी फेल नहीं हुए हो, आप बहुत कॉन्फिडेंट हो, आप एंथुसियास्टिक हो, तो आपको हमेशा बोथ ग्रुप्स ही पहले अटेम्प्ट में देने चाहिए, ठीक है। और फिर है कि आपके पास 8 सब्जेक्ट्स हैं बोथ ग्रुप मिला के, और आपके पास टाइम भी लगभग कितना है, 8 या 9 महीने ही है, कि मैंने आपको बताया टोटल 11 मंथ्स हैं, उसमें से 2 और 2.5 मंथ्स आप रिविजन और टेस्ट सीरीज के लिए रख दें, थोड़ा बहुत प्री टेस्ट के लिए भी 5-6 दिन लग जाते हैं, तो वो सब के लिए आप 1 हफ्ता रख दो, तो आपके पास लगभग 8 to 9 मंथ्स ही हैं। 8 सब्जेक्ट 8 महीने, सिंपल कर लो उसको, 8 सब्जेक्ट 8 महीने। मॉड्यूल आने में भी टाइम लगता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी आपको करना पड़ेगा, तो वहाँ पे भी थोड़ा टाइम वेस्ट होता है, तो आपके पास इफेक्टिवली 8 मंथ्स हैं फॉर 8 सब्जेक्ट्स, तो टाइम वेस्ट करने के लिए आपके पास बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो आपको अर्ली स्टार्ट करना है, सक्सेस का एक ही मंत्रा है, अर्ली स्टार्ट। अगर आपने स्टार्टिंग के 3-4 महीने वेस्ट कर लिए, फिर आप बोथ ग्रुप कितना भी कोशिश कर लो नहीं कर पाओगे, अटेम्प्ट को सेव नहीं कर पाओगे, फिर आप सिंगल मॉड्यूल पे ही आ जाओगे, कि 8 सब्जेक्ट फिर पढ़ना, रिवाइज करना, टेस्ट सीरीज देना, कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है। तो स्टार्टिंग के 3 महीने ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है, वो डिसाइड करेगा कि आपका क्या डायरेक्शन रहेगा फॉर दिसंबर 2020। तो आपको बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है, जो भी है फटाफट 15-20 दिन में आप डिसाइड कर लो जब तक मॉड्यूल्स आ जाते हैं, और उसके बाद फरवरी से आपको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। फरवरी मिड या फरवरी एंड तक आपकी फुल फ्लेज पढ़ाई चालू हो जानी चाहिए, जो कि 7 to 8 आवर्स वाली होती है, ठीक है। तो ये सब था दोस्तों, ये सब मुझे आपको बताना था, कोई आपको बताएगा नहीं। काफ़ी लोग 2-3 महीने सिर्फ सोचते रहते हैं कि उनको करना क्या है, आधी बाजी वो वहीं हार चुके होते हैं। जैसे अगर क्रिकेट की बात करूं, पहले 10 ओवर में आप 50-60 रन भी नहीं बना पाए, पहले 10 ओवर में आपने 10-20 रन ही बनाए हैं, तो आप कितना भी छक्के चौके मार लो, आपका स्कोर एक लेवल के ऊपर नहीं जाता। बिगिनिंग कैसी है वही डिसाइड करता है आपकी एंडिंग कैसी होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि 3 से 4 महीने जो स्टार्टिंग के होते हैं या बहुत ही
फ्रूटफुली यूज़ करो, पढ़ाई बहुत अच्छी से आपकी स्टार्ट हो जानी चाहिए, बुक्स वगैरह आपके पास होने चाहिए और एक फ्लो बन जाना चाहिए पढ़ाई का। 7 to 8 आवर्स आपकी पढ़ाई फरवरी एंड से ही चालू हो जानी चाहिए, ठीक है। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों, आपके सीनियर से आपको बात कर लेनी है, आपको सब यही बातें बताएंगे कि टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, टाइम बहुत कट टू कट टाइम मिलता है। फाउंडेशन से बहुत ज़्यादा टफ है एग्जीक्यूटिव, और सिलेबस सब्जेक्ट्स ही डबल हैं, वहाँ 4 सब्जेक्ट्स थे, यहाँ 8 सब्जेक्ट्स हैं। सिलेबस का जो वॉल्यूम था उससे डबल वॉल्यूम आपका एग्जीक्यूटिव में है, तो हर महीने में 5 to 10 times डिफ़िकल्टी लेवल ज़्यादा है। वहाँ आपका MCQ था, यहाँ आपके 5 सब्जेक्ट रिटन है और 3 सब्जेक्ट MCQ है। 5 सब्जेक्ट रिटन है, 3 सब्जेक्ट MCQ है विथ नेगेटिव मार्किंग। तो ये सब आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा, और कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स दिए हैं, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब पे मेरा भी चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम चैनल्स आप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप डाउट्स वगैरह मुझसे पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग द वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको रेगुलरली वीडियोस मिलते रहें अबाउट CS एग्जीक्यूटिव। थैंक यू सो मच।